आज जब कार्य स्थगन प्रस्ताव आपने पारित किया इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन और भी अच्छा होता अगर मुख्यमंत्री अगर यहाँ होते तो जिस प्रकार से अभी जो भी बातें हुई, जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग तो गांधी जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, गांधी जी के विचारधारा को मानते हैं। और एक मिनट महोदय भाई, फिर आप लोग काहे ना बोलते हो भाई। और देखिए, यही खूबसूरती है, हमारा दरबार है महोदय, हमारा इतिहास है कि डोनाल्ड ट्रंप आते भी हैं तो सबसे पहले बापू का जो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है वहां ले जाते हैं। और आज सुबह कहां गए, जो समाधि थी, राजघाट था, वहां लेकर के गए। आखिर क्यों भाई? हम लोग तो हिंसा के खिलाफ हैं, हम लोग इस देश में अमन चैन चाहते हैं। तो आप देखिए महोदय, अब मुख्यमंत्री जी ने तो बड़ा भव्य कार्यक्रम भी किया इसको लेकर के, महात्मा गांधी जी को लेकर के, शताब्दी वर्ष जो चंपारण का रहा महात्मा गांधी जी का, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रतिमा का अनावरण करते हैं। तो एक ज्यादा बीच में माननीय सदस्यगण टोका टोकी न करें, आपकी भी बारी आएगी, आप भी अपनी बात। मेरे महोदय, मेरा कहने का मतलब कि एक स्पष्ट होना चाहिए ना, आखिर मुख्यमंत्री जी की सिद्धांत क्या है, विचार क्या है, नीति क्या है। आप कहते हो जनता के बीच जाकर के कि 2010 से होना चाहिए एनपीआर, अरे करेगा कौन, कोई भूत तो आके नहीं करेगा। आप यहां से प्रस्ताव पारित कीजिए। तो हम तो यही कह रहे हैं कि 2010 से एनपीआर जो है वो पास होना चाहिए सर्वसम्मति से, और इतना गंभीर मसला था तो आज मुख्यमंत्री जी होते तो अच्छा लगता। देखिए, हमको कोई बात नहीं है, अब हो रहे तो थोड़ा कैमरा इधर ही फोकस कीजिएगा, और आप लोग हम लोगों को थोड़ा मैसेज दे दीजिए, बीच में इंटरप्ट कीजिएगा। श्रवण जी बार बार उठते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं ना है। आप उधर देखने लगते हैं इसीलिए उठ जाते हैं। तो कैमरा सामने है ना, तो मुख्यमंत्री जी को नजर आना चाहिए, वो कह रहे हैं अंदर से देख रहे हैं। कैमरा चारों तरफ। तो अध्यक्ष महोदय, जो कानून आज हम लोगों पे सवाल उठाना पड़ा है, देखिए एनपीआर जो है पहला कदम एनआरसी का है, उससे होगा क्या? आपके घर जाएंगे, पूछेंगे बाप दादा कहां पैदा हुए थे, क्या हुआ था, उसका एक रजिस्टर तैयार होगा और उसमें डी लगा दिया जाएगा, यदि डाउटफुल जिसको भी लगे। अब हम पूछना चाहते, बिहार जो है आधा बाढ़ से प्रभावित रहता है, जिसका घर बह जाता है, वो गरीब जो है वो कागज कहां से बनवाएगा, कहां से प्रूफ करवाएगा कि उस देश का नागरिक है? कौन से डॉक्यूमेंट? आप पासपोर्ट को नहीं मानते हो कि नागरिकता उससे साबित नहीं हो सकता, आप आधार कार्ड को नहीं मानते हो कि उससे नागरिकता साबित होगा, आप वोटर आईडी को नहीं मानते हो, अगर वोटर आईडी को नहीं मानते जिससे नागरिकता साबित, बोलता है कि वोटर आईडी से भी नागरिकता साबित नहीं होगा, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बन गए, किस आधार पर बन गए भाई? आधार कार्ड की बात है तो बैंकों से खातों से लिंक करा रहे हो, क्यों करा रहे थे? पासपोर्ट अगर नहीं है नागरिकता, हम लोग भी विदेश जाते हैं, सब लोग जो जाते हैं विदेश, उनकी नागरिकता की पहचान ही पासपोर्ट है, और उसमें साफ तौर पर पहले ही लिखा है भारत गणराज्य, यानी भारत के नागरिक हो आप, तो और कौन सा बोलता है कि 1971 से पहले का आप कागज ला बाप दादा, और जिसका कभी कोई जमीन ही नहीं रहा, आजादी से पहले आजादी के बाद, वो अपना कागज कहां से बनवाएंगे? और कई बार तो पहले जो जमींदारी सिस्टम होता था, खेत उनके नाम पे, अभी भी बिहार में जो खेत जोतने वाले अलग लोग रहते थे, वो मजदूर किसान भीख मांगने वाला, मंदिरों के बाहर भीख मांगने वाले जो भीख मांगते हैं, भगवान के नाम पे कुछ दे दे, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, आप कहते वो देश से बाहर जाएंगे, वो कहां से अपनी नागरिकता को साबित करेंगे? आप देखिएगा जितना अतिक्रमण हो रहा है, जिसको हटाया जा रहा है अतिक्रमित जगहों के, जो सरकार कह रही है, वो कौन लोग हैं? गरीब है, दिहाड़ी मजदूर है, और किसकी संख्या है उसमें? हिंदू भी है, मुसलमान भी है, और ज्यादातर हिंदू है, हिंदू में भी दलित और अति पिछड़े ज्यादा है, यानी
साफ तौर पर इस कानून का यह निशाना, यह केवल मुसलमानों के लिए कानून नहीं बल्कि 130 करोड़ पूरे हिंदुस्तानियों के खिलाफ है ये कानून, और सबसे ज्यादा हिंदुओं के खिलाफ है, जो गरीब है, जो अंतिम पायदान में रहने वाला, जो जो आज तक वोटर आईडी नहीं बना, आदिवासियों जो जंगल में रहते हैं, जिसका कोई कागज नहीं मिला, वो जो है समझे जो आदिवासी, दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा गरीबी तो इन्हीं लोगों में, वो कहां से कागज जाके बनवाएंगे। तो महोदय साफ तौर पर समय कम है, स्पष्ट रूप से हम ये चाहेंगे सदन के लोगों से और मुख्यमंत्री जी से कि आपने जो कहा होना चाहिए तो आइए आज हम मिलकर के करते प्रस्ताव पारित करते हैं। जय हिंद महोदय, धन्यवाद। प्रस्ताव पारित करते हैं। जय हिंद महोदय, धन्यवाद। ठीक, श्री महबूब आलम जी, 5 मिनट में आप अपनी बात कहिएगा। महोदय, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक्ट, आप माइक ऊंची कर लीजिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिस तरह से लाया गया है महोदय, ये संविधान का खुला उल्लंघन है और धर्म के आधार पर देश को बांटने की साजिश है और धर्म के आधार पर देश में नागरिकों को नागरिकता देने की जो कोशिश है ये वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 15 बोलता है महोदय, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। यहूदी और मुसलमान का नाम आपने ले लिया, ये डिस्क्रिमिनेशन है महोदय, ये वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है महोदय।